स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टारगेट मेरा है शेयर फोर फीचर, री इशू और कैपिटलिज्म, ये तीन चीज को क्लियर करना, और इसके साथ एंट्रीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके अमाउंट का कैलकुलेशन। ओके, जो एग्जांपल दूंगा स्टार्ट से, ऐसा समझो कि आज पहला ही लेक्चर है इशू ऑफ शेयर्स का और आप फर्स्ट लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स का बैठ रहे हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान देना, दो वॉलंटियर्स अगर यहाँ आ जाए तो अच्छा है। रोशनी जल्दी से, और मनोहर आ जाओ, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी आओ। वैसे भी तुम डिमांड में रोशनी, कम 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 कम, स्टैंड हियर। मनोहर और रोशनी आप तो डिमांड में हो, जल्दी फटाफट। एंड रोशनी जिसको देखना था, ये हमारी रोशनी है। ओके चलिए फिर स्टार्ट कर दे, दो मिनट के लिए मास्क निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ठीक है, देना भी। ये पब्लिक है एंड मुझे शेयर्स बेचना है, ध्यान से सुनना, जो भी एक्सप्लेन करो इसके अंदर शेयर फोर फीचर आएगा, री इशू आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, कॉज इन अरियर सब आ जाने वाला इस एग्जांपल में, तो ध्यान से सुनना और समझना। दिस इज द पब्लिक, पब्लिक को मुझे, यानी कि मैं कंपनी हूं जिसे शेयर्स बेचना है, मुझे 10,000 शेयर्स बेचना है, 10,000 शेयर इशू करना है। क्लियर है? बेसिक से एक्सप्लेन करो, मुझे 10,000 शेयर्स बेचना है और एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, कितने शेयर्स बेचने 10,000, और कितना पैसा मिलने वाला है एक शेयर पे 100 रुपया, इन शॉर्ट 10,000 शेयर्स इनटू 100, दैट इज कितना, 10 लाख। चलिए ठीक है, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, एग्री। बट क्योंकि कंपनी जब भी शेयर बेचती है तो जो पब्लिक है डायरेक्टली पूरा पैसा लेगी। क्लियर? दो जन ने मेरे कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मनोहर जिसने मेरे पास 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, रोशनी जिसने मेरे पास 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब मुझे एप्लीकेशन मिला है। क्लियर? जब भी शेयर इशू होगा तो सबसे पहला अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी का कैपेसिटी कितना है, 10,000, एप्लीकेशन कितना मिला, 10,000, क्यों, दो लोग ने अप्लाई किया तो 10,000, यानी के टोटल 5,000 मिला के 10,000 एप्लीकेशन आया। क्लियर यादव जी? यादव मैं अलॉट कितना करूंगा, कितना कैपेसिटी है सर, 10,000, कोई प्रो राटा नहीं, कुछ नहीं, कुछ मगजमारी नहीं, बेसिक सा सम है। क्लियर? ध्यान से सुनना, अब क्या हो, पहले इन्होंने मेरे पास अप्लाई किया है, अप्लाई किया है, इसने भी अप्लाई किया है, इसने भी अप्लाई किया, अप्लाई करने के टाइम पे ये जो 100 रुपया में मांगने वाला हो वो अलग अलग स्टेज पे मांगने वाला, पहले अप्लाई पे, फिर अलॉट पे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन। मैं फर्स्ट कॉल ही पकड़ के चल रहा हूँ, एक ही कॉल। मैंने बोला एप्लीकेशन पे आपको 30 रुपया देना होगा, अलॉटमेंट में 50 रुपया देना होगा और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया देना होगा। ठीक है, इसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जब अप्लाई किया तो अप्लाई का पैसा दिया रहेगा, दिया रहेगा कि नहीं, अप्लाई पे उसने कितना पैसा दिया रहेगा, 5,000 शेयर्स पे 30 रुपया, इसने भी 5,000 शेयर्स पे 30 रुपया दिया रहेगा, क्योंकि दोनों ने 5,000 के लिए अप्लाई किया, तो 5,000 × 30, इन शॉर्ट 10,000 पे 30 रुपया, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स आया है। ये समझा? हाँ, तो एप्लीकेशन पे मुझे 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है और 10,000 पे 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया आया, और ये पूरा मेरा कैपिटल का ही पैसा है, मतलब ये कहाँ चले जाएगा, कैपिटल में, कोई एडवांस नहीं, प्रोराटा नहीं, रिफंड नहीं, कुछ नहीं, आप पक्का 100% समझा है? अब जैसे इनका एप्लीकेशन आया, मैंने चेक किया, रोशनी ने 5,000 के लिए अप्लाई किया है, मनोहर ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, रोशनी भी भर सकती है, इसकी कैपेसिटी, ये लोग के पास बहुत पैसे, ये लोग पैसा देंगे, मनोहर भी पैसा देगा, ये मैंने सोचा, और इनको फोन करके बोला भाई तुम्हारा एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुमको मैंने जितने के लिए अप्लाई किया उतना अलॉट कर रहा हूँ। इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मैं इसको कितना अलॉट कर रहा हूँ, 5,000, तुमने 5,000 के लिए अप्लाई किया था, 5,000 अलॉट कर, क्योंकि मेरे पास 10,000 बेचने का था, पूरा आया तो बेच दिया,
क्लियर। इसका मतलब अलॉटमेंट कितना हुआ, 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना मांग रहा हूँ भाई, देखो शेयर्स अलॉट किया पैसा दो, तो रोशनी बोली ठीक है सर ले लो अलॉटमेंट का पैसा, 5,00,000 रुपया मिला। इतना समझा, रोशनी ने पहले 30 रुपया दिया फिर 50 रुपया दिया, मनोहर ने पहले 30 रुपया दिया और 50 रुपया, अभी दोनों से कितना लेने का बाकी है, 20 रुपया लेने का बाकी है, इसको 5,000 पे उसको भी 5,000, इन शॉर्ट 10,000। अब मैंने पहला कॉल किया, मतलब मनोहर आपने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, चलो आपका फाइनल कॉल का है 20 रुपया वो दे दो, मनोहर ने बोला ठीक है सर ले लो बराबर, इसने पैसा दिया इसका काम खत्म हो गया चला गया निकल इम्पोर्टेंट रोशनी ना फेमस तो वही खड़े हो जाए। इसको मैंने फोन किया और इसको मैंने बोला रोशनी वो आपने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसका फर्स्ट कॉल का पैसा, सर मैं कल देती हूँ। फिर कल फोन किया, फोन स्विच ऑफ समझ में आया, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए था 10,000 के हिसाब से रोशनी कितना 20 रुपए बोले तो 2,00,000 मिलना चाहिए, बट 5,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए नहीं मिला, कॉल इन अरियर हुआ। समझ में आया तेरे को, आप सबको क्लियर है यहां तक, मिशन क्लियर है, तो यहाँ पे एक्चुअल में पैसा कितना मिलेगा 1,00,000, कैपिटल कितने का है 2,00,000 का है, रोशनी इधर तो क्लियर है 100% क्लियर है। अब मैं रोशनी को बार बार फोन कर रहा हूँ, रोशनी फर्स्ट कॉल का पैसा दे, बोला पैसा दे, लेकिन इसका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है, कंपनी थोड़े टाइम तक वेट करेगी, फिर ऐसा कंपनी को लगा भाई इसने पैसा देने वाली नहीं है, भाग गई है, इसने 30 रुपए और 50 रुपए 80 रुपए कंपनी को दिया है, अब वो भाग गई, अब इसको पैसा देने का नहीं। तो मैंने क्या किया, इसके जितने भी शेयर है, अभी मैंने इसको शेयर्स दिया तो नहीं है, खाली से पैसा जब आ जाएगा तब इसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करूंगा मैं, जब तक पूरा पैसा आएगा नहीं तब तक मैं शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाऊँ, क्लियर है? तो इसका शेयर्स का सर्टिफिकेट मेरे पास ही, मतलब शेयर्स मेरे पास ही है। अब उस शेयर्स का मैंने क्या किया, इसके शेयर्स को कैंसल किया, जो रोशनी के नाम का सर्टिफिकेट मैंने बनाया था 5,000 शेयर्स का रोशनी को जो दे दिया था, वो शेयर में क्या करूंगा फॉरफिट करूंगा, क्यों? बिकॉज रोशनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। बात समझाई, पक्का समझा? तो तूने जो 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मेरे पास, उसका पैसा आपने मुझे नहीं दिया, तो मैंने इसको फोन करके बहुत बार ट्राई किया, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, इसने नहीं दिया, मैंने इसका शेयर क्या किया फॉरफिट किया, क्या किया फॉरफिट किया, समझ में आया क्या? फॉरफिट का मतलब इसका शेयर कैंसल करना, शेयर मतलब कैपिटल कैंसल करना, बेटा दिमाग में, हाँ कितना कैपिटल कैंसिल करूंगा आप ही बताओ, 5,000 शेयर है ना इसका, तो कैपिटल कितना कैंसिल होगा 5,000, और एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो 5,000 × 100 5,00,000 का कैपिटल कैंसिल होगा, ये 5,00,000 का कैपिटल कैंसिल होगा तो इसमें मुझे फायदा भी तो हुआ है, नुकसान भी हो रहा है फायदा भी हुआ है, फायदा कितना हुआ है 30 और 50 80 रुपए का, और नुकसान कितना हुआ है 30 रुपए का, जो नुकसान हुआ है वो कॉल इन अरियर में, और जो फायदा हुआ है वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, ये होता है शेयर फॉरफीचर का एंट्री, ये समझा? अब जैसे ही शेयर फॉरफीट कैंसिल हो गया, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, वो ब्लैंक बन गया, अब वो मैं किसको भी बेच सकता हूँ, उसे मैं कहता हूँ रीइशू करना। अब वो मैंने शेयर क्या किया, मैंने बोला बंदा मेरे शेयर बेच रहा हूँ चाहिए क्या, 100 रुपए का है 75 में बेच रहा हूँ, तो बंदा बोल गया 100 का चीज 75 में मिल रहा है ले लेती हूँ मैं, बराबर है? अब कंपनी का पॉलिसी देखो, ऑलरेडी कंपनी को 80 रुपए उस शेयर पे मिल गए, अब 100 रुपए का चीज 75 में बेच रहे, तो ऐसा थोड़ी कि कंपनी को लॉस हो रहा है, नहीं कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा ही हो सकता है, तो कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स इसके थे वो फॉरफिट किए और फॉरफिट करके रीइशू करते किसी और को, और फिर कंपनी बोलती है कि इस शेयर पे जो मेरा रोशनी का शेयर था जो मैंने रीइशू किया उस पे कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करो, जिसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो जब भी शेयर फॉरफिट होगा तो 3 एंट्री आएगा, शेयर फॉरफिट होगा, फिर वो रीइशू होगा और कैपिटल रिजर्व आएगा। बात समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है यहां तक? लाइव जितने लोग देख रहे हैं उनको क्लियर है क्या? बैठ जाओ,
लाइव जितने देख रहे हैं उनको यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, होपफुली सबको यहां तक क्लियर है। रोशनी खूबसूरत है, मास्क निकाल के देखने का है कितनी खूबसूरत है। चलिए ठीक है, नहीं नहीं बेटा तेजस रहने दे। चलिए चलिए बस बस मजाक मस्ती अपने जगह पे, अब स्टार्ट करते हैं। सम पे जाते जरा ध्यान देना, पेज नंबर 332 टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 332 सम नंबर 14 निकालो, पेज नंबर 332 सम नंबर 14, पेज नंबर 332 सम नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, फटाफट। ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा है, शेयर फॉर फ्यूचर री इशू कैपिटल रिजर्व अगर नहीं समझा है तो पूछो। एनीवन बेटा रोशनी के लिए गुलाब आया है। चलिए ठीक है, ओके डन, चलिए ठीक है, वेरी गुड। श्रुति क्या नहीं समझा बेटा आपको, बोलो फटाफट। श्रुति, श्रुति है ना, सृष्टि, सृष्टि आपको क्या नहीं समझा है? धीरज कुमार पूछो क्या नहीं समझा है? एसपी का लेटर। बेटा एक मैं फैक्ट बता दूं मेरे बारे में, आप लोगों को शायद पता नहीं रहेगा, एसपी है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था मेरे लाइफ में, इसलिए मैंने एसपी का स्टडी किया ही नहीं है। आई हैव टेकन मैथ्स इन 11 देन 12 और उसके बाद एसपी कभी देखा नहीं है, तो एसपी के बारे में पता ही नहीं है मेरे को, वो सब्जेक्ट में कभी देखता नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं कि उसमें लेटर कैसे लिखते हैं और टॉपिक क्या है, तो डोंट आस्क मी अबाउट एसपी। फोरफीट वाला पार्ट नहीं समझा, फोरफीट का मतलब समझा कि नहीं? आर्यन क्या नहीं समझ में बेटा, फोरफीट का मतलब क्या होता है? फोरफीट का मतलब शेयर कैंसल करना होता है। फोरफीट का मतलब क्या होता है? शेयर कैंसल करना। जो भी मालिक ने जिसको आपने शेयर इशू किया है अगर उसने आपको पैसा नहीं दिया है तो उतना शेयर आपको कैंसल करना होता है। फोरफिट का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, फोरफिट का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, फोरफिट का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, ये याद रखो। एंट्री में एक्सप्लेन कर दूंगा, खाली आपके दिमाग में विजन याद रखो कि मैंने क्या बताया। फोरफिट का मतलब अभी रोशनी ने अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा वो नहीं देगी इसका मतलब वो शेयर तो बिके नहीं है। अब जब वो शेयर बिके नहीं है तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने पहले उसका बिकने का एंट्री दिखा दिया है, हमने यहाँ बेच दिया, यहाँ बेचा, उसकी एंट्री दिखाया ना, और यहाँ भी उसका पैसा नहीं मिला, यहाँ भी उसका पैसा नहीं मिला, मतलब यहाँ पे आप दिखा रहे हो नहीं बिका और यहाँ पे दिखा रहे हो कि बिक गया है, इसलिए शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। समझा? शेयर इशू क्यों कर रहे हैं? पैसा लाने के लिए, पैसा बोले तो कैपिटल लाने के लिए, तो शेयर फॉरफीचर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। और कुछ डाउट है बेटा? कैपिटल रिजर्व नहीं समझा, कैपिटल रिजर्व एक्सप्लेन करता हूँ एंट्री के साथ, और कुछ? चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार, पेज नंबर 332 सम नंबर 14, पहले आप एंट्री पे जाएंगे। एक छोटा सा कल एक डाउट आया था और किसी स्टूडेंट का कि सर ये जो एंट्री लिखते हैं ये आप लोग का भी डाउट रहेगा मेरे को मालूम है, कितना लाइन छोड़ने का, ये आप लिखते ना रिसीव ट्रांसफर ट्रांसफर, तो इसमें कितना लाइन छोड़ने का आपको मालूम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम वगैरह है, कॉल्स इन अरियर वगैरह है, तो कॉल्स इन अरियर हर जर्नल एंट्री में दो लाइन में तो हो ही जाता है, लेकिन अगर प्रीमियम है, कॉल्स इन अरियर है, तो एक एक लाइन एक्स्ट्रा और नरेशन के लिए दो लाइन, समझ में आया? तो आप अगर रिसिप्ट की एंट्री पास कर रहे हो तो रिसिप्ट में दो ही एंट्री आने वाला है, कैश और एप्लीकेशन दो और नरेशन का दो, मतलब चार लाइन छोड़ो। ट्रांसफर के अंदर कोई प्रो रेटा है, एडवांस है, रिफंड है, तो चार लाइन बच जाएगा और बाकी दो लाइन तुमको रीजन के लिए छोड़ना है, मतलब नरेशन के लिए छोड़ना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, अभी आपको इतना तो एक्सपर्टीज हो गया रहेगा कि लाइन कितना छोड़ना ही आपको समझेगा। क्लियर? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट कर दे, पेज नंबर 332 सम नंबर 14 क्वेश्चन में रीड करता हूं, देखता हूं क्या है। प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार
payable as follow. On application 30, allotment 40, first and final call 30. Public applied for 35,000 shares and all these shares were allotted. All money due were collected with an exception of first and final call on 4,000 shares. The shares were forfeited. All the forfeited shares were reissued by the director at 80 per share. अभी जो मैंने example दिया, same चीज है. Same to same example चीज के ऊपर है. Amount अलग आएगा, but जो मैंने आपको example अभी explain किया है, वैसा ही है. पहले तो देखो कंपनी का कैपेसिटी कितना है. कंपनी का कैपेसिटी कितना है दिया, देखो कंपनी का कैपेसिटी है 50,000, बराबर है. मतलब कितने शेयर्स बेचने, 50,000. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी कैपेसिटी 50,000. ओके चलिए ठीक. एप्लीकेशन कितना मिला, देखो वहां पे दिया है पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर. एप्लीकेशन 35,000 का मिला है. अब सवाल अलॉट कितना करेंगे, जितना एप्लीकेशन, इसे अंडर एप्लीकेशन कहते हैं. अंडर एप्लीकेशन मतलब कंपनी के कैपेसिटी से कम शेयर्स का अप्लाई होना. तो यहाँ पे कम शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ तो ये अंडर एप्लीकेशन है. तो अंडर एप्लीकेशन में जितना एप्लीकेशन मिला है उतना ही अलॉट करेंगे. अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए ठीक है. कोई रिफंड वगैरह इस केस में हो सकता है क्या? कितने का शेयर है? 100 रुपीज. एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं? अलॉटमेंट पे 40. फर्स्ट कॉल पे, यही मेरा फाइनल कॉल भी है, कितना हो गया? 100 रुपीज. याद तक क्लियर? चलिए एप्लीकेशन का कैलकुलेशन करते. 35,000 एप्लीकेशन आया है और एक शेयर पे 30 रुपया मिलने वाला है. तो 35,000 × 30 करो, देखो कितना आ रहा है फटाफट. 0, 0, 0 और एक 0. 3 5 15 9 9 10 10 lakh 50,000. मतलब एप्लीकेशन में कितना मिलेगा? 10 lakh 50,000. क्या ये पूरा पैसा कैपिटल का है? हाँ सर, क्योंकि अपने पास कोई भी प्रो रेटा वगैरह तो है ही नहीं. तो ये किधर जाएगा? एप्लीकेशन में. समझ में आया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद अलॉटमेंट पे आएंगे. कितना अलॉट कर रहे हैं? 35. अलॉटमेंट में 40 रुपए. तो 35,000 × 40, 0, 0, 0, 0, 4 5 are 20, 4 3 are 12, 13, 14, 14 lakh rupees. अरे समझा? ये पूरा पैसा कैपिटल का है? हाँ सर, पूरा पैसा कैपिटल. क्लियर? फर्स्ट कॉल करने जाएंगे, कितना करेंगे? 35,000 × 30, 10 lakh 50,000. बट क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बंदा है, यानी कि उसका कुछ नाम दिया कि मालूम नहीं. ऑल मनी ड्यू वेर कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स. मतलब सारे पैसे मिले एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स पे. मतलब यहाँ पे 4,000 शेयर्स पे 30 रुपया, यानी कि 1,20,000 नहीं मिला. इसे मैं क्या कहता हूँ? कॉल इन अरियर. समझ में आया? तो इधर पैसा मिलेगा कितना? 9,30,000. ये मुझे कैश मिलेगा. ये समझा आपको? पक्का समझा? कोई फाइनल कॉल होने वाला है क्या? नहीं, ये मेरा फाइनल कॉल. अब क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है तो इसका शेयर हम क्या करेंगे? फोरफीट करेंगे. कितना शेयर फोरफीट होगा? 4,000. कैपिटल का वैल्यू कितना है? 100 रुपया. तो फोरफीट कितने का होगा? 4 लाख शेयर फोरफीट होगा. अब पैसा कितना आएगा, क्या आएगा, वो बाद में देखेंगे. इतना वर्किंग समझ में आ गया? ऐसा कोई जिसको यहां तक नहीं समझाए, आते एंट्रीज की तरफ. पहले आपको मैंने बताया था फर्स्ट एंट्री होता है रिसीव्ड और ट्रांसफर. उसके बाद जितने भी एंट्रीज है सब ट्रांसफर, रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव, ट्रांसफर, सब एंट्रीज. इस केस में पहला एप्लीकेशन हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ है और फिर फोरफिट होने वाला है. मतलब पहला रिसीव ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव खत्म, फिर फोरफिट करेंगे, रीइश्यू करेंगे एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल रिजर्व में जो डाउट है वो भी आपको इस सम के अंदर में क्लियर कर. रिसीप्ट का मतलब पैसा आएगा बोले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हाया नहीं? तो जिधर भी रिसीप्ट है वहां पे सेम चीज लिख रहा हूं मैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. फिर
कैसे रिसीप्ट है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। समझा ये? अभी ये नहीं लिख रहा क्यों? फाइनल कॉल नहीं है ना, नहीं इतना ही है। फोर फीचर बाद में। ट्रांसफर में हमेशा क्या ट्रांसफर होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। फिर से ट्रांसफर है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। अरे समझा? फिर से ट्रांसफर है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है? इतना समझा? अब स्टेजेस के नाम लिख देंगे। तो इसमें पहला स्टेज एप्लीकेशन का है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इधर क्रेडिट हो गया डेबिट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बराबर है। इसका क्रेडिट हो गया डेबिट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बराबर है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर है। कौन सा कॉल है? फर्स्ट एंड फाइनल क्रेडिट हो गया है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंट्री क्लियर है? देखो एंट्रीज तो मैंने आपको पहले भी ऐड करवाया, अभी पहले मैंने एंट्रीज दिखने का वे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब भी आप एंट्री सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेज, फिर अलॉटमेंट स्टेज, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, फिर शेयर फोरफिटेड, री इशू और कैपिटल रिजर्व होता है। पहला स्टेज एप्लीकेशन, उसमें आर और टी लिखना है, उसके बाद टी आर टी आर टी आर। आर का मतलब रिसीप्ट, रिसीप्ट मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जिधर भी रिसीप्ट है कैश अकाउंट डेबिट, जिधर भी रिसीप्ट है कैश अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर का मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री का नाम एप्लीकेशन है, तो ये दो एंट्री एप्लीकेशन का, ये दो एंट्री अलॉटमेंट का, ये दो एंट्री फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, तो जिधर जगह खाली है उधर आपको एंट्री का नाम लिखने का है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यहाँ पे बैठे उनको क्लियर है? अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, फिल इन द ब्लैंक करना स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन पे कितना मिलने वाला है? 10,50,000। एप्लीकेशन का स्टेज 10,50,000 डेबिट, 10,50,000 क्रेडिट, बराबर है। फिर ट्रांसफर होगा ईयरली एंट्री में, पूरा का पूरा कैपिटल में, 10,50,000 डेबिट, पूरा कैपिटल में जाएगा। हाँ सर, 10,50,000 पूरा कैपिटल में जाएगा। ये हो गया एप्लीकेशन का स्टेज। अभी अलॉटमेंट में कितने का अलॉटमेंट होने वाला है? 14 लाख। तो यहाँ पे 14 लाख अलॉटमेंट डेबिट, 14 लाख क्रेडिट, पूरा कैपिटल में जाने वाला, इसलिए कैपिटल में चला। जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट पहले क्रेडिट कर दो, 14 लाख। क्या पूरा पैसा मिला? हाँ सर, पूरा 14 लाख मिला, तो कैश और बैंक में पूरा 14 लाख ही जाएगा। क्लियर मिशेल? मिशेल आगे बढ़ेगी। ये कौन सा स्टेज है भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का होने वाला है? 10,50,000। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने वाला है 10,50,000। ये पूरा कैपिटल का है? हाँ सर, पूरा कैपिटल। जितना फाइनल कॉल डेबिट है उतना फाइनल कॉल पहले क्रेडिट कर, 10,50,000। क्लियर? क्या पूरा पैसा मिला? नहीं सर, पैसा कितना मिला? 9,30,000। तो कैश और बैंक में 9,30,000 आएगा, तो बाकी पैसा कॉल इन अरियर है, तो मेरे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना? 1,20,000 हो गया। कॉल इन अरियर अकाउंट, क्लियर यहाँ तक? ये बेसिक सम था इतना। आज का टारगेट था फोर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व, बराबर है। तो यहाँ तक तो पिछले लेक्चर में भी करवाया है, और फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने यही सब चीजें रिपीट ही किया है मैंने। आज अपन मेन फोकस करने वाले फोर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व है। फोर फीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, फोर फीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ये है ना, ये वाला कैपिटल कैंसिल करना है।
कैपिटल होता है क्रेडिट, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो जब भी शेयर फोरफिट करोगे तो ये याद रखना है, फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो डेबिट में लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जैसे ये डेबिट लिखा, इससे बात करने का, भाई साहब आप तो हमेशा क्रेडिट होते हो, डेबिट में क्यों हो गए? तो बोलेगा आप लोग ने पैसा नहीं दिया। कॉल इन अरियर हुआ तभी तो फोरफीचर आएगा, कॉल इन अरियर होएगा नहीं, फोरफीचर आएगा नहीं। अगर मुझे पूरा पैसा मिल गया तो फोरफिट क्यों करूंगा मैं? तो फोरफीचर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉज इन अरियर। तो भाई साहब डेबिट में क्यों आए? बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉज इन अरियर या तो फाइनल कॉज इन अरियर, तो टू कॉल इन अरियर अकाउंट एंट्री। समझा कितना कैपिटल कैंसिल होगा? तो भाई साहब 4000 शेयर्स पे कैपिटल का वैल्यू कितना है? 100। तो 4000 इंटू 100 बोले तो 400000 का कैपिटल था। कितना पैसा नहीं दिया बंदे ने? 120000 नहीं दिया, इसलिए कैंसिल किया। रोशनी ने लास्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमने उसके शेयर फोरफिट किए ना, तो वैसे यहाँ पे इस बंदे ने 30 रुपया नहीं दिया तो इसका हमने शेयर फोरफिट किया। समझा? बट रूल है जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। तो भाई 400000 डेबिट है, 120000 ही क्रेडिट है, तो बाकी और क्रेडिट करना है। तो टू जो भी डिफरेंस आएगा, कौन सी एंट्री है? फोरफिचर की एंट्री है। यहाँ पे टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना? 280000। ये हो गया आपका कौन सा एंट्री? शेयर फोरफिचर का एंट्री। ऐसा कोई जिसको यहां तक नहीं समझी एंट्री नहीं समझा। एनीवन क्या 400000 है ना? हो गया ना 400000 बराबर है। क्या हुआ टेक्स्ट बुक में? क्या है बेटा 930000 है ना इश्यू एंट्री का। बेटा अगर टेक्स्ट बुक देखने का है तो फिर ठीक है, या मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखो, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया मैंने परफेक्ट जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ उसी मेथड से मैं करवा रहा हूँ, और आंसर रॉन्ग नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर एंट्री स्प्लिट करके दिया जाता है, मैं स्प्लिट नहीं करता हूँ, एक ही साथ सॉल्व करता हूँ। होपफुली आपको शेयर फोरफीचर का एंट्री क्लियर हुआ सबको। शेयर फोरफीचर कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। क्यों कैंसिल किया? बिकॉज कॉज इन अरियर आया, तो टू कॉज इन अरियर, और बाकी पैसा कहां जाएगा? शेयर फोरफीचर में। चलिए ठीक है, वापस एक बार शेयर फोरफीचर एक्सप्लेन करता हूं, वंदन ध्यान दे बेटा। शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो शेयर कैपिटल डेबिट। अब ये डेबिट में क्यों आया? बिकॉज कॉज इन अरियर आया। तो जितना कॉज इन अरियर आया पहले कॉल में, अलॉटमेंट में, सेकेंड कॉल में, जितनी बार वो अरियर आया रहेगा उतनी बार यहाँ पे लिखने का। इधर एक ही बार आया इसलिए टू कॉज इन अरियर लिखा है। अगर अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया रहता तो टू अलॉटमेंट इन अरियर। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉज इन अरियर। सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, टू सेकंड कॉज इन। मतलब जितना पैसा नहीं दिया उतनी बार आपको यहाँ पे लिखना है, और बाकी जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? शेयर फोरफीचर में डिफरेंस आएगा ही। इसका मतलब 400000 का सामान बेचना था, उसमें 280000 मिला, 120000 नहीं मिला, तो हमने उसका कैपिटल कैंसिल किया। मतलब मुझे इधर कितने का प्रॉफिट हुआ? 280000 का प्रॉफिट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था रोशनी ने अप्लाई किया, तो रोशनी ने अप्लाई का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, तो पैसा मेरे पास है, मैं थोड़ी उसे रिटर्न करने वाला हूँ। मैंने उसको फोन करके ट्राई किया, भाई रोशनी फाइनल कॉल का पैसा दे, लेकिन आउट ऑफ एरिया, आउट ऑफ रीजन आ गया उसका कॉल। बराबर है कि नहीं? Yes, तो इसका मतलब जो उसने लास्ट पैसा नहीं दिया है उसके वजह से मैंने उसका जो रिमेनिंग पैसा था वो अपने पास रखा है, और मेरे लिए क्या बन जाता है? प्रॉफिट बन जाता है। तो इस केस में भी वैसा ही हुआ, इस बंदे ने 120000 नहीं दिया, बाकी तो पैसा दिया था, तो ये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। समझा? यहां तक क्लियर है? अब इस शेयर को अगर मैं रीइश्यू करता हूं, अगर मैं इस शेयर को रीइश्यू करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं फायदा नुकसान हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया रोशनी पढ़ो आगे दिया है, these shares were forfeited, all the forfeited shares were reissued by the director at 80 per share। इसका मतलब ये जो शेयर था 4000 shares पहले आपने forfeit किया मितुल, उसके बाद यही 4000 shares को 80 रुपए में issue किया, मतलब 320000 में issue किया।
जबकि इसका वैल्यू कितना था, 4000 शेयर्स का वैल्यू 4 लाख था, आपने कितने में बेचा मार्केट में? मतलब आप बोलेंगे सर 80,000 का लॉस, मैं बोलूंगा नहीं, 80,000 का लॉस नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी इस शेयर पे मैंने 2,80,000 कमा के रखा है। कमाया कितना है? 2,80,000। इस केस में कितना लॉस हो रहा है? 80,000। तो अगर ये दोनों शेयर सेम है तो 2,80,000 में से अगर 80,000 नुकसान भी हो रहा है तो भी 2,00,000 का तो फायदा है। तो जो फायदा है कैसे कैलकुलेट किया? पहले कितना कमाया, इसमें कितना गवाया। भाई इसमें हमने कमाया 2,80,000, इसमें गवाया सिर्फ 80,000, अभी भी 2,00,000 बचा है। वो 2,00,000 किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ऐसा कैलकुलेट होता है कैपिटल रिजर्व। समझा? कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया? इस शेयर पे कितना कमाया और इस शेयर को अगर आप बेच रहे हो, रीइश्यू कर रहे हो, तो कितना नुकसान आ रहा है? ये नुकसान और ये फायदा दोनों को टैली करना है। भाई इधर 2,80,000 कमाया, इधर 80,000 गवाया, मतलब 2,00,000 बचा। तो जो 2,00,000 बचा वो कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि इधर 2,00,000 कमाया वो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। इशू का और एक सम करेंगे बेटा, डोंट वरी। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए रीइशू करेंगे। अब रीइशू करेंगे तो कितने में रीइशू करने वाले? 80,000 में। कितने का शेयर है? 100 रुपए। रीइशू का मतलब फिर से बेचेंगे। बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा और शेयर जाएगा। पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट। क्या जाएगा? शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कितने का है? 4,00,000 का। बट पैसा कितना आ रहा है? 3,20,000। तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? शेयर फोरफीचर रीइशू किया इसलिए। तो इधर डेबिट में नुकसान आ रहा है, तो डेबिट में शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। कितना नुकसान हो रहा है? 80,000। अरे ये समझा? जितना क्रेडिट उतना डेबिट कर दिया। अब क्या करना है? ये जो 80,000 है और ये 2,80,000 है, इनको साथ में सॉल्व करना है। 2,80,000 कमाया, 80,000 गवाया, 2,00,000 बच गया। बच गया तो किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इधर नहीं लिख के मैं इधर साइड पे एंट्री लिख के दे रहा हूँ, जरा ध्यान दे देना। कमाया ना आपने, कमाया मतलब इनकम है, क्रेडिट ऑन इनकम, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना कमाया आपने? 2,00,000। और ये क्यों कमाया? शेयर फोरफीचर की वजह से। इधर क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा, शेयर फोर फीटेड अकाउंट डेबिट। कितना? एंट्री। समझा? पक्का समझा है? लाइव जितने लोग देख रहे हैं उनको समझ में आया है? फिर से एक बार, 4,00,000 का कैपिटल था, 1,20,000 नहीं दिया, 2,80,000 दे दिया था, तो ये मेरे लिए फायदा है। इसे मैंने रीइशू किया, 4,00,000 का कैपिटल था, 3,20,000 में इशू किया, 80,000 का नुकसान आया। 2,80,000 कमाया था, 80,000 का नुकसान आया, तो 2,00,000 बचा और वो 2,00,000 कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? माइंड अप नहीं कर रहा हूँ, ये समझाना आपको। ऐसा सम और भी अपन आज करने वाले हैं। अभी इसके बाद हम करने वाले टेक्स्ट बुक में ही पेज नंबर 334 पे सम नंबर 16 पे। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना, पहले सम नंबर 334 पे सम नंबर 16 करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 334 सम नंबर 16। अभी इसके अंदर प्रीमियम, प्रोराटा, कॉल इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर, रीइशू, कंप्लीट सम है। बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा सम आने के चांसेस कम है, बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा सम नहीं आएगा। क्लियर है? वापस एक बार, इस क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन में आपको आने वाला है, एक तो एप्लीकेशन, ओवर एप्लीकेशन आने वाला है, ओवर मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आने वाला है। तो आपको प्रोराटा भी करना है, रिफंड भी करना है, फिर कॉज इन अरियर भी आने वाला है, प्रीमियम भी आने वाला है, शेयर फोरफीट भी होने वाला है और रीइशू भी होने वाला है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को, किधर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मिस आउट हो गया है तो लाइव चैट में बोलना, तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है क्या? और जो ऑफलाइन बैठे उनको भी बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से, इस सम पे फाइनल सम है ये इशू ऑफ शेयर्स का। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नहीं है, इसके बाद मंडे से यानी कि कल से विल बी स्टार्टिंग विद बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का भी गारंटी बोलता हूँ, फर्स्ट लेक्चर स्किप तो भूल के भी मत करना। एंट्रीज वायड करवाने वाला हूँ, पूरा एंट्रीज वायड करवा दूंगा। जैसे इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री वायड है, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की भी एंट्रीज वायड हो जाएगी। एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज एंट्रीज वायड हो गई, खाली अमाउंट लिखना होगा, उसका कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, उसका सिंपल कैलकुलेशन है, पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। चलिए, राकेश लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30, एप्लीकेशन विल रिसीव फॉर 3000 शेयर्स, 2000 शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर्स, remaining applicant of 600 shares being refused and application money on was refunded, excess money received on application was adjusted against allot, all amount were duly received except Mr. Mandar to whom 80 shares were allotted, Mandar failed to pay first and final call, his shares were forfeited and reissued to Mr. Kajal as fully paid up at 80 per share, generalize the transaction in the books of company। ध्यान से ये सम पे मैं अभी बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सम है आपका इशू ऑफ शेयर्स का जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। पहले तो अपन समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या, तो कंपनी का कैपेसिटी कितना बताओ जरा, कितना कैपेसिटी है? 2000 शेयर्स का कैपेसिटी, बराबर है, पहले लाइन में दिया है राकेश लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 एट 20 प्रीमियम, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम मतलब 120 रुपया मांगना है, बराबर है, 120 रुपए कैसे मांगेंगे? एप्लीकेशन में कितना मांग रहे देखो, 20, अलॉटमेंट में 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम का अगर 20 रुपया है तो कैपिटल का कितना है? मैंने आपको पहले बताया ये कैपिटल और ये प्रीमियम होता है, फर्स्ट कॉल का कितना 20 रुपए, फाइनल कॉल का 30 रुपए, देखो हो गए टोटल 120, 20 50 20 30 हो गए ना 120, इधर प्रीमियम है क्या? नहीं, प्रीमियम किधर आने वाला है? अलॉटमेंट के अंदर, तो जब मैं एंट्री सॉल्व करूंगा तो अपने को याद रखना कि अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा है, क्लियर। आगे बढ़ते, अब आते हैं एप्लीकेशन कितना मिला, 2000 शेयर्स बेचना था, एप्लीकेशन आया 3000, बराबर है, हाँ, जिसमें से अलॉट तो सिर्फ 2000 ही कर सकते, तो कितना एक्स्ट्रा है, 1000 में से 600 शेयर्स को रिफंड किया है, देखो बोला है 600 रिफंड हुआ है, तो बचा 400, ये क्या हुआ है? प्रोराटा, और प्रोराटा को मैंने नाम दिया है एडवांस, समझ में आया 3000 का कैसे कैलकुलेशन हुआ है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम है, ध्यान से, 2000 एप्लीकेशन था, सॉरी कंपनी का कैपेसिटी था, एप्लीकेशन 3000 का आया है, 3000 आया है, बट अलॉटमेंट तो 2000 ही कर सकते हो, 1000 एक्स्ट्रा आया, 1000 जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोरेटा नहीं, हम प्रोरेटा में सिर्फ 400 कर रहे हैं और 600 को क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिफंड भी है, प्रोरेटा भी है, प्रीमियम भी है, समझा यहाँ तक? पक्का समझा है? हाँ, पहला वर्किंग डन। अब आते हैं एप्लीकेशन के स्टेज पे, एप्लीकेशन कितना मिला? 3000 पे कितना पैसा मिला? 20 रुपया, तो 3000 × 20 यानी के 60000 रुपया मिला, एग्री? क्या ये पूरा कैपिटल का है? नहीं, कैपिटल में जितना कैपेसिटी उतना ही जाएगा, मतलब ये 3000 के अंदर 2000 × 20 यानी के 40000 कैपिटल का है, समझा? रिजेक्ट कितना किया? 600, 600 × 20 1200 रुपए रिजेक्ट किया, रिजेक्ट यानी कि रिफंड किया, 12000, क्लियर है? अरे समझा? नेक्स्ट, 400 शेयर एडवांस है, 400 × 20 यानी कि 8000 अलॉटमेंट इन, पहला स्टेज का कैलकुलेशन डन, पक्का? ऐसा कोई जिसको नहीं समझाइए, 3000 पे 60000 मिला है, 60000 का डिस्टिंग
किया मैंने, 40,000 कैपिटल, 12,000 रिफंड या रिजेक्ट और 8,000 अलॉटमेंट इन एडवांस। कर लगा दिव्या, अलॉटमेंट पे आएंगे। अलॉटमेंट कितना करेंगे, जितना कैपेसिटी 2,000। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं, 50, जिसमें 30 रुपया कैपिटल का है और 2,000 × 20 प्रीमियम का है। तो ये तो प्रीमियम का डायरेक्टली अलग ही लिख रहा हूँ 40,000, और ये 60,000 किसका है, कैपिटल। ये प्रीमियम का 30 और 20 50 रुपया होगा। प्रीमियम को छेड़ना ही नहीं है, उसको वैसे के वैसे छोड़ दो। क्लियर? इधर तो क्या पूरा 60,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से एडवांस है। तो जब मैं 60,000 मांगने जाऊंगा तो एडवांस पड़ा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेस अलॉटमेंट इन एडवांस कितना, 8,000। तो 60,000 में से अगर 8,000 जाएगा तो बचेगा 52,000। ये मुझे क्या मिलेगा, कैश। कौन से एंट्री में, अलॉटमेंट। सिर्फ 52 नहीं मिलेगा, 52,000 प्लस 40,000 प्रीमियम, मतलब 92,000 मिलेगा। बात समझा? क्लियर है यहाँ तक सबको? 4,000 कैसे आया बेटा, कौन सा 4,000 कैसे आया? ये 400 है बेटा। ये 40,000 कैसे आया वो पूछ रहे आप, तो कल्पना 40,000 कैसे आया, देखो कंपनी का कैपेसिटी 2,000 है। टोटल यहाँ पे मैंने वर्किंग बनाया, 30 रुपया कैपिटल, 20 रुपया प्रीमियम, टोटल है 50 रुपए। तो 50 रुपए अलॉटमेंट पे मांगना है, 50 में 30 रुपया कैपिटल का है तो 2,000 × 30 60,000, 20 रुपया प्रीमियम का है तो 2,000 × 20 40,000 प्रीमियम का है। क्लियर? ओके, अभी 400 कैसे आया बेटा, फिर से 400 कैसे आया? 2,000 कंपनी का कैपेसिटी है, हमको एप्लीकेशन 3,000 आया। कंपनी ने बोला, देखो वहां पे सेंटेंस आप पढ़ोगे तो क्लियरली बोला है, 2,000 अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट ऑफ 2,400 शेयर, रिमेनिंग एप्लीकेंट फॉर 600 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड, 600 शेयर्स रिफ्यूज किया। मुझे एप्लीकेशन कितना आया, 3,000। कंपनी का कैपेसिटी कितना है, तो एक्स्ट्रा कितना है, 1,000 में से 600 मैंने क्या किया, रिजेक्ट किया, तो बचा कितना, 400। तो ये क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे। अभी समझा 400 कैसे आया? वर्किंग नोट आपके समझ के लिए बेटा, आपको समझता है, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, कोई इशू नहीं है। कल्पना अभी क्लियर है तो बढ़ता आगे, होपफुली यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो अलॉटमेंट डन, आगे आगे दिया है, ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार whom 80 shares were allotted, failed to pay first and final call. मतलब मंदार को कितने shares allot किए थे मैंने? 80 shares allot किए थे। Total company capacity 2,000. First call पे कितना मिलेगा? 20. मतलब 40,000 मिलना चाहिए। ये पूरा capital का ही है। बराबर है? But क्या पूरा 40,000 मिलेगा? नहीं। यहाँ पे 80 shares पे 20 रुपए के हिसाब से 1,600 रुपए नहीं मिलेगा, जिसे मैं कहता हूँ कॉल इन अरियर। तो 40 में से 1,600 नहीं मिलेगा, मतलब कितना नहीं मिलेगा, 38,400। अरे समझा? क्या नहीं समझा बेटा? 1,600 × 20 मल्टीप्लाई किया बेटा, टेबल है ये। तो 80 कहाँ से है, क्वेश्चन रीड किया आपने? देखो क्वेश्चन में दिया 80 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो जैसे तुमने 5,000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया रोशनी ने, वैसे इसने 80 शेयर का पैसा नहीं दिया। 80 शेयर पे कितना पैसा नहीं दिया, 20 रुपए, मतलब 1,600 रुपया नहीं दिया। क्लियर? तो इधर पैसा कितना आएगा, 38,400। समझ में आया? फाइनल कॉल करेंगे फिर से 2,000 शेयर पे 20 रुपया, ये ना सिर्फ 30 रुपया, 30 रुपीज है फाइनल कॉल का, मतलब 60,000। बट इस बंदे ने फिर से पैसा नहीं दिया, मतलब 2,400 रुपया नहीं दिया। अरे बराबर? तो ये मेरा कॉल इन अरियर है। 60,000 में से 2,400 नहीं मिला, 57,600 ये मुझे कैश मिला। अब मुझे बताओ कितने शेयर्स फॉरफिट होंगे, 80। इसने 80 शेयर का इधर भी पैसा नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, तो 80 शेयर्स पे कितना कैंसिल करेंगे कैपिटल का वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यानी कि 100।
मतलब हम शेयर फोरफिट कितना करेंगे 8000 शेयर्स फोरफिट करेंगे। इसके बाद में आगे देखेंगे इसका अभी क्या दिया। इतना वर्किंग समझ में आया पक्का? चलिए आ जाते हैं एंट्री की तरफ। ओके एंट्री की तरफ जाते हैं। अभी एंट्री क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में रिसीव मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक साथ एंट्री नहीं लिख रहा हूँ। कितना आएगा एप्लीकेशन का? 60,000, 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। क्लियर? जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन पहले डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। बट ये पूरा 60,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा? नहीं। तो कैपिटल में कितना जाएगा? टू शेयर कैपिटल कितना जाएगा कैपिटल में? वर्किंग बना है 40,000। बाकी 20,000 का क्या है? बाकी 20,000 में 12,000 रिजेक्ट होगा, 8,000 एडवांस आएगा। तो रिजेक्ट होगा तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक, बराबर है? टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट। अरे समझा? रिफंड 12, एडवांस 8। एंट्री समझ में आया? पक्का 100% समझा यहाँ तक? सबको? ऐसा कोई जिसको ये एंट्री नहीं समझा? क्लियर है? वापस एक बार वापस चीज। पहले 60,000 रुपया इस एप्लीकेशन पे आने वाला है। कैसे? 3,000 पे 20 रुपए के हिसाब से 60,000 आएगा। बट वो 60,000 पूरा मेरा है क्या? नहीं, कैपिटल का सिर्फ 40 है। 600 शेयर पे 20 रुपया रिजेक्ट करना है और 400 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से एडवांस पे पैसा जमा रखना है। तो मैंने क्या किया, 60,000 आया, 60 में से 40 को कैपिटल में डाल दिया, 12,000 रिफंड कर दिया और 8,000 को अलॉटमेंट इन एडवांस में डाल दिया। क्लियर बेटा? 2400 का कहां गया सर? क्वेश्चन में दिया है बेटा, 2400 ही तो किया। आप देखो 2000 अलॉट किया, 400 एडवांस रखा, तो 2000 प्लस 400 कितना हुआ? 2400 हो गया। इनडायरेक्टली उसने 2400 एक्सेप्ट किया, वो बोल रहा है एक्सेप्ट 2400 किया, बट कैपेसिटी 2000 की है, तो 400 जो ज्यादा एक्सेप्ट किया वो एडवांस है, वो इधर आ गया। चलिए संगीता आगे। नॉट रिसीव फॉर फाइनल कॉल, चलिए ठीक है शिव, यहां तक क्लियर? अब जाते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है? 60 और 40 क्योंकि अलॉटमेंट कितने का है? 50 रुपए का। तो 2000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए का एंट्री है ये। तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर में पहला डेबिट में आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000। बट क्या पूरा 1,00,000 कैपिटल का है? नहीं, इधर कैपिटल और प्रीमियम दोनों है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में कितना? 60 और प्रीमियम में कितना? 40। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसफर का। अब रिसीव करने गए तो क्या पता चला? ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसमें 8,000 पहले से एडवांस है, तो रिसीव में कितना रिसीव होगा? 52 प्लस 40 92,000 का रिसीव होगा। 1,00,000 में से सिर्फ और सिर्फ 92 रिसीव होगा, तो बाकी 8,000, तो बाकी 8,000 मेरे लिए क्या है? एडवांस है। समझाइए? तो जब मैं रिसीव की एंट्री पास करूं, रिसीव मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू कौन सा कॉल है? अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 1,00,000। बट 1,00,000 में रिसीव कितने का है? 92, बाकी मेरे लिए एडवांस है, अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 8,000। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट वाला। समझा? पक्का समझा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझाइए, एनीवन? डन यहाँ तक? बढ़ेंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितने का होने वाला है? 40,000। फर्स्ट कॉल कितने का है? 40,000। तो पहला शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू पूरा पैसा कैपिटल का है? हाँ सर, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का कॉल है? 40,000। सर कैसे? 20 रुपए का कॉल है, 2000 कैपेसिटी है, मतलब 40,000 का ही कॉल होने वाला है। अब रिसीव करने जा रहे हैं, तो रिसीव कितने का होगा? क्यों? क्योंकि 1,600 रुपया नहीं मिला है। तो यहाँ पे रिसीप्ट में कैश और
bank account, debit, call in arrear account, debit. टू कौन सा कॉल है ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल कितने का है 40,000. रिसीव कितने का हुआ 38,400. 1600 रुपया कॉल इनर ईयर. समझा? आप एंट्री पहले से लिख के रखने वाले हो. मैं तो अभी ऐसा सॉल्व करो बट आपकी इसमें एंट्री पहले से होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे उसके बाद क्या है? आगे फाइनल कॉल कितने का होने वाला है 60,000 का. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू पूरा कैपिटल का है. हाँ सर शेयर कैपिटल कितने का एंट्री है 60,000 का है. बराबर है तो यहाँ पे 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट. रिसीव करने जाएंगे. रिसीव मतलब पैसा आएगा. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कॉल इन अरियर भी है लॉस है. कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. बराबर है. फाइनल कॉल कितने का है 60. पैसा कितना आया 57,000. बाकी मेरे लिए क्या है कॉल इन अरियर 2,400. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, अभी शेयर फोर फ्यूचर और रीइश्यू करने वाले इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. पक्का? अभी फोरफिट कितना शेयर करेंगे 80. एक शेयर का वैल्यू कितना है 100. फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल. फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल. देखो मैं अभी बोलता हूँ फोरफीचर कभी आएगा मालूम है? जब कॉज इन अरियर आएगा. कॉज इन अरियर नहीं है फोरफीचर नहीं है. समझा? फोरफीचर अभी कैसा मालूम है? हो सकता है क्वेश्चन में कॉज इन अरियर दे और फोरफीचर नहीं दे. वो भी हो सकता है. कॉज इन अरियर है तो ही फोरफीचर होगा. बिना कॉज इन अरियर के शेयर फोरफीचर नहीं हो सकता है. आपको क्वेश्चन के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर हो सकता है भाई इतना दे इसके आगे शेयर फोरफीचर पूछे ही नहीं हो लोग. वो भी कर सकते हैं बट आप प्रिपेयर होके तो जाना है. फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल होता है क्रेडिट. कैंसिल करने के लिए डेबिट. यहाँ पे डेबिट में मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना कैपिटल कैंसिल होगा 8,000. अब भाई साहब डेबिट में क्यों है? बिकॉज कॉज इन अरियर. कॉज इन अरियर दो बार हुआ तो यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल इन अरियर अकाउंट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज इन अरियर. अरे समझा क्या? फर्स्ट कॉल में कितना अरियर हुआ 1600. सेकेंड कॉल में 2400. इन शॉर्ट टोटल 4,000 का अरियर हुआ. 1600 + 2400 4,000. 8,000 में से 4,000 नहीं दिया बाकी 4,000 को दिया. मेरे लिए क्या है प्रॉफिट है. तो टू शेयर फोर फीटेड अकाउंट कितना मतलब इस शेयर पे मैंने 4,000 कमा लिया. समझा? अब क्या मैंने इसे रीइशू किया है क्या? देखो जरा क्या मैंने इसे रीइशू किया है. हाँ सर मैंने इसे रीइशू किया है केतन को 80 रुपए में. अब देखो 80 शेयर्स को 80 में इशू कर रहा हूँ मतलब 6,400 रुपए में इशू कर रहा हूँ जबकि इसका वैल्यू है 80 × 100 8,000. 8,000 का सामान 6,400 में इशू करे मतलब आपको नुकसान ही हो रहा है. कितना नुकसान हो रहा है 1600 का नुकसान हो रहा है. बोलेंगे नहीं सर 1600 को कैसे 4,000 तो ऑलरेडी कमा लिया है. तो 4,000 कमाया था 1600 गवाया तो अभी भी 2,400 रुपए का फायदा है. तो जो 2,400 रुपए वो कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में. समझ में आ गया? हो गया कंसेप्ट क्लियर. चलिए आ जाते हैं रीइशू के पर. रीइशू का मतलब पैसा आएगा और शेयर जाएगा. रीइशू किया तो पैसा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल कितने का गया 8,000. पैसा कितना आया 6,400. तो बाकी कहाँ है शेयर फोर फीटेड अकाउंट डेबिट कितना 16. ये समझ में आया? अब जो आपका कैपिटल रिजर्व का एंट्री बच गया वो यहाँ में सॉल्व कर दो. कैपिटल रिजर्व में कितना बचेगा? तो मैंने कमाया था 4,000 गवाया 1600.
तो चार में से 1600 माइनस करो बचा कितना 2400, तो ये किधर जाएगा कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये कहां से आया, शेयर फोर फिटेड अकाउंट डेबिट, कितना 2400। समझा एंट्री, तो इस तरह से कैपिटल रिजर्व री इश्यू और फोर फीचर कंप्लीट होता है। एनी वन एनी डाउट?